आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। विघ्न विनाशक बुद्धि के देवता भगवान गणेश बहुत जल्द विराजने वाले हैं। भगवान गणेश के प्रतिमाओं के बनने का सिलसिला काफ़ी पहले से चालू हो गया था, अब उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। शहर के विभिन्न स्थानों पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं बनाने का काम कारीगर बहुत ही मुस्तैदी के साथ करते हुए यहां पर दिख रहे हैं। इस साल भगवान गणेश की गणेशोत्सव का शुरुआत गणेश चतुर्थी मंगलवार 19 सितंबर 2023 से आरंभ किया जाएगा और गणेश भगवान 19 सितंबर को जगह जगह पंडालों में विराजेंगे, घरों में विराजेंगे और 10 दिनों तक चलने वाली पूजा का समापन अनंत चतुर्दशी को होता है। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन या विसर्जन उत्सव अंतिम दिन किया जाता है। इस साल गणेश विसर्जन 28 सितंबर को किया जाएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। आप देख सकते हैं जगह जगह छोटी बड़ी प्रतिमाओं को बनाने का सिलसिला जारी है। मूर्तिकार और कलाकार पेंटर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही लगन मेहनत के साथ भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का निर्माण करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश सनातन धर्म में सबसे प्रिय देवताओं में से एक हैं। भगवान श्री गणेश जिन्हें एक दंत विनायक दुखहर्ता के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है कि बाधाओं का निवारण करने वाले एक दंत विनायक दुखहर्ता भगवान श्री गणेश हैं और किसी भी अन्य देवता से पहले उनकी पूजन किया जाता है। गणेश चतुर्थी हाथी के चेहरे वाले भगवान श्री गणेश के जन्म का प्रतीक है। दरअसल एक बहुत प्राचीन कथा है जिसमें भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाया गया था। गणेशोत्सव हिंदुओं सनातन धर्म के लोगों का एक उत्सव है, ये पूरे भारत में मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पुणे का गणेशोत्सव जगत प्रसिद्ध है। यह उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी अर्थात 4 तारीख से 14 तारीख तक भाद्रपद की 4 से 14 तारीख तक 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता माने जाते हैं। इस इतिहास में अगर आप जाते हैं तो पेशवाओं ने गणेशोत्सव को बहुत बढ़ावा दिया। माना जाता है कि पुणे में कस्बा गणपति नाम की प्रसिद्ध गणपति की स्थापना शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई ने की थी, किंतु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव को जो स्वरूप दिया उससे भगवान गणेश राष्ट्रीय एकता के प्रतीक भी बन गए। बाल गंगाधर तिलक के प्रयास से गणेश पूजा परिवार तक ही सीमित थी। पूजा को सार्वजनिक महोत्सव का रूप देते समय उसे केवल धार्मिक कर्मकांड तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि आज़ादी की लड़ाई छुआछूत दूर करने, समाज को संगठित करने और आम आदमी का ज्ञानवर्धन करने का जरिया इसे बनाया गया। उसे एक आंदोलन का स्वरूप दिया गया। इस आंदोलन को के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी गई। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 में गणेशोत्सव को सार्वजनिक उसका पौधारोपण किया गया था, जो अब एक बहुत विशाल वृक्ष के रूप में आपके सामने है। 1893 में जब बाल गंगाधर तिलक ने सार्वजनिक गणेश पूजा का आयोजन किया गया था तो उसका मकसद सभी जाति धर्म को एक साझा मंच देने का था, जहां बैठकर हर कोई विचार कर सके। तब पहली बार पेशवाओं ने पूज्य देव गणेश को बाहर लाया था। वो तब भारत में अस्पृश्यता चरम पर थी उस समय भी। तब इसके बाद गणेशोत्सव में जिस तरीके से पूजन अर्चन आदि किया जाता रहा, उसके उपरांत ही देश में बहुत बदलाव भी महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट।
सिवनी शिव की नगरी कहलाती है और शिव की नगरी में आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर प्रतिमाएं रखी हुई हैं। प्रशासन के द्वारा बार बार POP की प्रतिमाओं का उपयोग नहीं करने की नसीहत दी जाती है, पर उसके बाद भी बाजार में POP की प्रतिमाएं बिकती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रशासन के निर्देशों का अनुपालन पालन उनके मातहत कराने में कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, कारण चाहे जो भी हो। बहरहाल कितनी सुंदर प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं और गणेश उत्सव का आगाज बहुत ही जल्द होने वाला है। 19 सितंबर को देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के पुत्र भगवान गणेश विराजेंगे। 19 सितंबर से 28 सितंबर तक वे घरों में पंडालों में जगह जगह विराजेंगे। कहीं 1.5 दिन के गणेश, कहीं 2.5 दिन के गणेश, इस तरीके की स्थापना का भी रिवाज है, जिसकी जितनी क्षमता सामर्थ्य और श्रद्धा, वे श्रद्धा की तो बात इसलिए नहीं की जा सकती कि भगवान श्री गणेश के प्रति सबकी श्रद्धा एक समान ही प्रतीत होती है। तो कुछ 1.5 दिन रखते हैं, कुछ 2.5 दिन रखते हैं और कुछ पूरे 10 दिन तक भगवान श्री गणेश को विराजित रखते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। आप देखिए दिनेश पेंटर जिन्हें कहा जाता है, कितनी तन्मयता के साथ यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा बना रहे हैं। भगवान गणेश की प्रतिमाओं के पूर्ण करने के बाद माता दुर्गा की प्रतिमाएं नवरात्रि पर जो विराजेंगी उनके लिए तैयारियां आरंभ हो जाएंगी। बहुत तनलीनता के साथ कलाकार भगवान गणेश की प्रतिमाओं को बनाने में जुटे हुए नजर आ रहे होंगे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।